हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है न्यूट्रेला राइस, जिसको सोयाबीन या सोया चंक्स भी कहते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनकर सबसे पहले ऐड कर देते हैं जीरा 1 चम्मच, उसके बाद है बादियान का फूल, 23 पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, ये चला जाएगा। और अब ऐड करूंगी इसमें मैं प्याज, 1 बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको हम ब्राउन होने देते हैं। देखिए अनियन ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ इसमें ऐड करूंगी मैं न्यूट्रेला, ताकि ये भी फ्राई होता रहे। और साथ ही डालूंगी इसमें ये 3-4 हरी मिर्चे, इसको भी भून लेते हैं, हमारे न्यूट्रेला भी फ्राई होते रहेंगे साथ के साथ और अनियन भी ब्राउन हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच, तो अदरक लहसुन के साथ भी भून लिया हमने इसको। और ऐड करूंगी मैं इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर, टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगती है राइस में। और साथ ही ऐड कर दूंगी मैं नमक, तो मैं 3 चम्मच डालती हूँ, बाद में जब पानी ऐड करेंगे तो चेक कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। और इसमें ऐड कर दूंगी, अब साथ ही मैं इसमें और मसाले डाल देती हूँ। लाल मिर्च 1 चम्मच, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली हुई है तो ज़्यादा तीखी ना हो जाए। और साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, बस यही मसाले जाएंगे इसमें। और इसको मैं थोड़ा सा ढक के पका लेती हूँ, और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऐड करते मैं ये 2 आलू लिए थे, लजीज आप इसमें अपने हिसाब से और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मटर भी, बीन्स भी, ब्रोकली भी, गोभी भी, जो पसंद हो वो तो बना सकते हैं इसमें डाल करके। पर फिलहाल तो मैं सिर्फ आलू और न्यूट्रेला के साथ ही बना रही हूँ। फिर अब ऐड कर दिया मैंने चावल, चावलों को मैंने आधे घंटे पहले वॉश करके सोख करके रख दिया था। अब ऐड करना है इसमें पानी, और अभी इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा चिकन मसाला, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। हमारे ये तो किचन का ये किचन किंग है, हर सब्जी में, हर पुलाव में इसको हम यूज करते हैं, वेज वेज में और चिकन में। मटन में इसको यूज नहीं कर सकते, तो उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। तो अब इसको हम पका लेते हैं ढक कर के, अच्छे से पानी खुश्क होने तक और दाने को अच्छे से पक जाने तक। देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ गया है, इसको चला लेते हैं एक बारी नीचे ऊपर, और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट तक, तब तक हमारे राइस कुक हो जाएंगे। हमारे राइस बन के तैयार है, ये इसका फाइनल लुक, हमारा न्यूट्रेला राइस डन है। तो फ्रेंड्स, ये रहा फाइनल लुक, और अब इसको मैं थोड़े से सैलेड के साथ सर्व करूंगी। चाहे तो इसके साथ आप रायता भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, दही रायता वगैरह ज्यादा तो यूज करना ही चाहिए, और खीरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये रहा देखिए फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।